जयपुर जेएनएस राजस्थान में पिछले दिनों कई बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा ठगी के मामले में सामने आने के बाद अब सोसाइटियों के पीड़ितों की कतार लग गई है। सरकार के सहकारिता विभाग के पास अब तक इन सोसाइटियों के खिलाफ 37,000 से ज़्यादा शिकायतें पहुंच चुकी हैं। अब करीब 765 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायतें आ चुकी हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देर रात आपको परेशानी दी, दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, बट ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए। राजस्थान में पिछले दिनों पुलिस ने आदर्श संजीवनी सहित कुछ बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ठगी के मामले उजागर किए थे। इसमें निवेशकों के करोड़ों रुपये का दुरुपयोग करने और निवेशकों का पैसा हड़पने के मामले सामने आए थे। इसके बाद सहकारिता विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर सोसाइटी ने परेशान निवेशक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा रहे हैं। यह पोर्टल शुरू हुए करीब 2 माह का समय हुआ है, लेकिन इसमें इतने कम समय में ही इन सोसाइटियों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया है। ज़्यादातर शिकायतें बड़ी सोसाइटियों के खिलाफ हैं जिनका काम दूसरे राज्य में भी फैला है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।